नमस्ते कृतिका किचन में आपका स्वागत है। आज हम उड़द दाल की खस्ता कचौड़ी बनाएंगे। आइए शुरू करते हैं बनाना। कचौड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए हमने एक बड़ा बर्तन लिया है और 1 चम्मच हमने नमक लिया है, 5 बड़े चम्मच हमने रिफाइंड ऑयल लिया है। अब 2 कप हम मैदा लेंगे, ये भरकर हमने लिए हैं 2 कप मैदा। अब इसमें हम नमक डालेंगे और रिफाइंड ऑयल डालेंगे। 3 बड़े चम्मच हम रिफाइंड ऑयल डाल देते हैं इसमें। जब हमें ज़रूरत होगी तो हम बाकी का भी डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरीके से हम मैदा में मिला देते हैं। अच्छे से मिला देंगे, जब हमारा मैदा बाइंड हो जाएगा तब इसे हम डो तैयार करने के लिए इसमें पानी ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं अच्छे से बाइंड हो रहा है मैदा। अब इसमें हम और बाकी रिफाइंड ऑयल नहीं मिलाएंगे। अच्छे से मोयन हमारा मिल चुका है इसमें। मैदा में हमने 3 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल के अच्छे से मिला दिया है। और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालें, एक साथ सारा पानी ना डालें, वरना ये पतला भी हो सकता है डो। इसका सॉफ्ट डो तैयार करना है, एकदम मुलायम आटा। इसे अच्छी तरीके से गूथ देंगे। जितना अच्छा हमारा ये डो तैयार होगा, मला हुआ होगा, उतना बढ़िया हमारी खस्ता कचौड़ी बनेगी। काफ़ी अच्छा सॉफ्ट डो तैयार हो गया है हमारा ये डो। का हम 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं। डो को तैयार करने में हमारा 1 ग्लास पानी लग गया है। 1 कटोरी हमने उड़द की दाल ली है, जिसे 2 घंटे पहले भिगो के रखा हुआ था। अब इसे मिक्सर जार में डालकर दरदरा पीस लेंगे। दाल को हमने पीस लिया है। इसको दाल को सिर्फ दरदरा ही पीसना है। इस तरीके से इसका पेस्ट बना लेंगे। अब गैस पर हम कढ़ाई गरम करने के लिए रख देते हैं। मीडियम फ्लेम पर हमने कढ़ाई को गरम कर लिया है। अब इसके अंदर हम 1 बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल गरम हो गया है, इसमें हमने 1 चम्मच जीरा डाल दिया है और आधी छोटी चम्मच हींग डालेंगे। कचौड़ी में थोड़ी हींग ज़्यादा ही जाती है, इसलिए आधी छोटी चम्मच हमने इसमें हींग डाली है। हींग की अच्छी खुशबू आती है कचौड़ी में। हींग जीरा हमारा अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हम 1 अदरक का टुकड़ा, जिसे हमने बारीक काट लिया था, 1 चम्मच अदरक का टुकड़ा डाल दिया है और 1 चम्मच हरी मिर्च डाल दी है बारीक कटी हुई। अब दोनों चीज़ों को हम भून लेंगे। अब इसके अंदर हम उड़द की दाल डालेंगे, जो कि हमने पीस ली थी। 1 चम्मच हम धनिया, साबुत धनिया डालेंगे। साबुत धनिया के दाने भी अच्छे से भून लेंगे। काफ़ी अच्छे लगते हैं ये कचौड़ी में। सभी चीज़ें भून चुकी हैं। अब इसमें उड़द दाल का पेस्ट डाल देंगे। पेस्ट को अच्छे तरीके से भून लेंगे, एकदम दानेदार होने तक भूनेंगे पेस्ट को। अब
इसमें हम एक तिहाई चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और एक चम्मच नमक डालेंगे। और अच्छे से मिलाते हुए इसे हम भून लेंगे। दाल थोड़ी स्पैचुला से चिपकेगी जब तक ये भुनेगी नहीं। जब ये भुन जाएगी तो अच्छी दानेदार हो जाएगी। इसी तरीके से हमें चलाते हुए भूनना है दाल को। मीडियम फ्लेम पर ही भूने दाल को। जब दाल भुन जाएगी तो बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आने लगेगी। दाल हमारी भुन चुकी है। दाल को भूनने में हमें 8 से 9 मिनट लगे हैं। अब इसमें हम आधे छोटे चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और एक छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा पसंद हो आपको तीखा। और आधे छोटे चम्मच हमने इसमें अमचूर पाउडर डाल दिया है। और सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे दाल में। काफ़ी अच्छी दाल भुन चुकी है, आप देख सकते हैं दानेदार हो गई है ये। अब एक चम्मच हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और स्टफिंग को अच्छे से ठंडा होने देंगे। जब तक हमारी स्टफिंग ठंडी होती है हम आटा अच्छे से मल लेते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं हमारा आटे को रखा हुआ। अच्छे से हमने इसे सॉफ्ट कर लिया है मल के। स्टफिंग भी हमारी ठंडी हो गई है। अब इसकी हम लोइयां बनाएंगे। लोइयां हमें इसकी थोड़ी बड़ी बनानी है। जैसे हम रोटी बनाने के लिए लोई बनाते हैं उतनी बड़ी हमें कचौड़ी के लिए लोइयां बनानी है। सभी लोइयां इसी तरीके से हम हाथों से गोल करते हुए बना लेंगे। हमने ये 9 लोइयां बना ली हैं। अब हम कचौड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। चकले पर हम लोई को गोल कर लेंगे और बेलन से इसे थोड़ा सा बेल लेंगे। अब इसमें हम स्टफिंग भरेंगे। इसमें हम 2 चम्मच स्टफिंग भर लेते हैं दबाते हुए। और इसे गोल करते हुए हम बंद कर देंगे घुमाते हुए, गोल घुमाते हुए। इस तरीके से हम ये गोल कर लेते हैं। इसी तरीके से हम सभी कचौड़ियाँ बना लेंगे और हथेली से दबा लेंगे। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम एक एक करके सभी कचौड़ियाँ डालते जाएंगे जितनी हमारी कढ़ाई में बन जाएंगी। मीडियम फ्लेम ही रखना है इसका, ज़्यादा तेज आंच पर ना सेके कचौड़ियों को। जब भी हमारी खस्ता कचौड़ी बनेगी एकदम अच्छे से अंदर तक सिक जाएगी। एक साइड से कचौड़ी हमारी सिक चुकी है और फूल भी अच्छी गई है। अब इन्हें हम पलट लेते हैं। इसी तरीके से हम दूसरी साइड से भी मीडियम फ्लेम पर सेक लेंगे। खस्ता कचौड़ी बनाने के लिए आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें जो डो तैयार करना है उसमें मोयन अच्छा डाला होना चाहिए और दूसरी बात हमें धीमी आंच पर ही कचौड़ियों को सेकना है, तभी हमारी अच्छी खस्ता कचौड़ी बनेगी। इसी तरीके से हम मीडियम आंच पर सेक लेंगे। सभी कचौड़ियों को इसी तरह से सेक लेंगे। अच्छी है हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है कचौड़ी, काफ़ी अच्छी फूल गई है।
हमारी कचौड़ियाँ सीख चुकी हैं, अब इसे हम टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं ताकि जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। लीजिए, हमारी खस्ता कचौड़ी बनके तैयार है। आप इसे बनाकर आसानी से हफ्ते 10 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती है। आप इसे सफ़र में भी ले जा सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। मैं देखिए कितनी अच्छी खस्ता बनी है हमारी, अंदर से कितनी अच्छी परतें आई हैं इसमें, काफ़ी अच्छी ये लगती है खाने में। आप इसे हरी चटनी के साथ, इमली की चटनी के साथ सर्व कीजिए, बहुत अच्छी लगती है। ये चटनी बनाने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें, आप इनकी वीडियो देख सकेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।